अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवल ट्रेंड्स का एक नया एपिसोड और मैं हूं जाहिद अब्बास और आज के ट्रैवल व्लॉग में आपको सैर करवाई जाएगी कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस गांव की। और इस गांव का नाम है जी अडंगकेल। अडंगकेल की आज आपको सैर करवाई जाएगी। और सैर करवाने से पहले आपको पता है कि हमेशा सबसे पहले मैं एक गाइड बताता हूँ कि आपने यहाँ पर कैसे पहुँचना है। और आपको ये भी पता है कि अपना हर सफ़र जो है ना मैं शुरू करता हूँ इस्लामाबाद से। तो अगर आप लोग इस्लामाबाद से सफ़र करें तो अडंगकेल आपको पहुँचने के लिए सफ़र करना पड़ेगा तकरीबन 308 किलोमीटर। और इस पे जो टाइम लगेगा वो है तकरीबन 15 से 16 घंटे आपको लगेंगे। अगर आप रास्ते में शॉर्ट जो है ना स्टे करते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं, शॉर्ट स्टे करेंगे तो फिर आपको 15 से 16 घंटे लगेंगे और आपका 308 किलोमीटर का सफ़र है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आप मुजफ़राबाद से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं ना तो यहाँ से आपको लगेगा 178 किलोमीटर का सफ़र। और इसको तय करने में आपको जो टाइम लगेगा ना वो है तकरीबन 11 से 12 घंटे। वो भी इसी तरह स्टे करते कराते आप लोग इजीली 11 से 12 घंटों में आप लोग पहुँच जाएँगे मुजफ़राबाद से केएल। और केएल से जैसे ही आप केएल बाज़ार में एंटर होते हैं ना तो आपके राइट साइड पर एक चौक आएगा, मतलब एक ही चौक आएगा, उस चौक का नाम है जी चश्मा चौक। उधर से आपने राइट साइड पे नीचे उतर जाना तो तकरीबन कोई 2 मिनट बाद आपकी पार्किंग साइड आ जाएगी। और पार्किंग में आपने अपनी अगर बाइक पे आए हैं तो बाइक को वहाँ पार्क करना है। बाइक की पार्किंग का जो है 150 रुपया वो चार्ज करते हैं। गाड़ी की जो पार्किंग है वो है 400 रुपया एक रात का। तो सफ़र का स्टार्ट हम लोग करते हैं केएल से और वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जी। तो हम लोग पहुंच गए हैं केएल। ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं ना ये बाज़ार, इसका नाम है केएल। अच्छा जी, ये जो चौक आप देख रहे हैं ना इस चौक का नाम है जी चश्मा चौक। यहाँ से हमने होना है नीचे, चश्मा चौक से हम नीचे हो गए। ये देखें जी, ये रास्ता है, ये लिफ्ट की तरफ जाता है। ये है जी वो डोली जिस पे बैठने के लिए जो है ना हमेशा लोगों का रश लगा रहता है और यहाँ पर कितारें लगी होती हैं, लेकिन आज जो है ना ये डोली बंद है। अच्छा जी, पैदल ट्रैकिंग जो है ना वो हो गई है स्टार्ट। इस पुल का नाम है जी केएल पुल। ये देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत ट्रैक है। ये है जी लास्ट चढ़ाई। एक तरफ आपके स्टेयर्स हैं और एक तरफ कच्ची मिट्टी, तो मैं तो जाऊंगा स्टेयर्स वाली साइड पे। और जैसे ही आप स्टेयर्स क्रॉस करेंगे सामने आपको नज़ारा मिलेगा अडंगकेल का। केएल से मैं पहुंच गया हूं अडंगकेल और सारा सफ़र मैंने किया है पैदल और थोड़ी सी ट्रैक की वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है। ट्रैक इतना टफ नहीं है, इजी ट्रैक है, आप लोग इजीली इस ट्रैक को कर सकते हैं। और मुझे इस ट्रैक को करने में लगे हैं तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लगा है और मैं पहुँच गया हूँ अडंगकेल। और अभी सूरज जो है ना वो काफ़ी नीचे जा चुका है, इसलिए मेरा प्लान यही है कि मैं करूंगा सबसे पहले रेस्ट, खाना शाना खाऊंगा और इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी और अडंगकेल की आपको खूबसूरती सुबह दिखाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अडंगकेल। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 5:30। सुबह तकरीबन 5 बजे मैं उठ गया था लेकिन वीडियो शूट मैंने नहीं की क्योंकि सुबह लाइट बहुत ज़्यादा डल थी। अच्छा जी, ये है वो जगह,
जहाँ से हम लोग कल हाइक करके आए थे ऊपर, और ये अड़ंगकेल का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही आप जो है ना हाइक करके ऊपर आएंगे, ये वाला ट्रैक आपका इस्तकबाल करेगा। काफ़ी अड़ंगकेल को मुकामी लोगों ने, होटल वालों ने काफ़ी सेट रखा हुआ है। जगह जगह ये देखें डस्टबिन्स लगी हुई हैं, और जगह जगह लिखा हुआ है कि सफाई रखें अगर आप सब्ज़ा चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो फिर गंद पाई जाओ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत और मस्त नज़ारा, कितना प्यारा ट्रैक बनाया हुआ है। ये ट्रैक की एक तरफ मकई की फसल है, दूसरी तरफ ये फूल लगे हुए हैं सूरजमुखी के, और भी यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फूल जो है ना वो इस्तकबाल कर रहे हैं हमारा। माशाल्लाह जी मस्जिद नज़र आना शुरू हो गई है। बहुत सारी वीडियोस में, टिकटॉक में, ड्रोन के शॉट्स में ये मस्जिद को मैंने देखा हुआ था, और आज अपनी आंखों से लाइव मैंने इस मस्जिद को भी देख लिया। फ़िलहाल तो हमारी लेफ़्ट राइट साइड पे हर तरफ होटल ही होटल हैं। ये है जी जामिया मस्जिद उमर फारूक अड़ंगकेल। ट्रैक जो है ना वो चलता ही जा रहा है, मुझे लगता है पूरे गांव को ये ट्रैक मिला रहा है, और बड़ा ही खूबसूरत पत्थरों वाला ट्रैक बनाया हुआ है ताकि बारिशों में जो है ना स्लिपिंग वाला कोई सीन यहाँ पे ना हो। पत्थरों वाला ट्रैक ख़त्म, कच्चा ट्रैक शुरू हो गया, छोटे से नाले के साथ साथ चल रहा है। ये देखें जी जानवरों का चारा, क्योंकि आगे जो है ना सर्दी शुरू होने वाली है, और यहाँ पर एक बंदा मुकामी, उसने ये ढेर लगाए हुए हैं और उठा उठा के ना अपने घर में लेके जा रहा है, क्योंकि पूरी सर्दियाँ फिर जानवरों ने जो है ना ये वाला चारा खाना है। हाँ जी सुन ली आवाज़, सुकून आ गया। ये देखें जी इधर भी होटल ही होटल, स्टार्ट में भी होटल, मिड में भी होटल, एंड में भी होटल। मेरे ख्याल से इसका नाम अड़ंगकेल होटल विलेज होना चाहिए। अच्छा जी भाजी ठीक है, मुर्गा लगा रहा है आवाज़ें, कह रहा जी सुबह हो गई, मैंने भी खोल दिया हूँ। इनसे मोहब्बत डालने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा मोहब्बत हो गई है भाई, चार चार पप्पीज हमारे आगे पीछे। ओए ओए ओए, गंदे पांव लगा रहे मेरे काले ट्राउजर को, ये देखे।
हम ये किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। ये है जी अड़ंगकेल गांव। आखिरकार हम लोग होटल की दुनिया से बाहर निकल आए और एक गांव में पहुंच गए हम। जैसे इस नाले को क्रॉस किया, आगे एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कि मैं काफी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन होटल जाने नहीं छोड़ रहे थे। अब ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये किसी गांव की तरफ ही जा रहा है। आगे चेक करें जी रास्ता, कितना ये खूबसूरत रास्ता है जी। छोटा सा ट्रैक है। हम लोग जब गांव जाते थे ना छोटे होते, अपने गांव में, वहां पर भी यही वाली फील थी, लेकिन यहाँ के गांव थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ के गांव ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारा गांव क्योंकि है छांगा मांगा, एक मैदानी इलाका है, इसलिए वहां पे हर चीज़ आपको प्लेन ही मिलेगी। अब आगे आबादी आ गई है मुकामी, तो पहले लेंगे परमिशन कि इनके घरों की या इनकी गली की वीडियो हम लोग बना सकते हैं या नहीं। उसके बाद आपको इनकी गलियों की, इनके घरों की सैर करवाते हैं, अगर परमिशन मिली तो। ये देखें जी गांव इनका, ये गांव की गली और ये मैदान आ गया। ये है जी इनका गांव और इनके गांव की गलियों से हम लोग गुजर रहे हैं। और अभी तक हमें कोई मर्द हजरात यहाँ पे नहीं मिले, वरना इनके किसी घर को शूट ज़रूर करता। अभी यहाँ पे औरतें जो है ना वो काम कर रही हैं, और उनसे तो मैं बिल्कुल परमिशन नहीं ले सकता, ना उनकी वीडियो बना सकता हूँ। ये चारे वाली जगह, अभी चलते हैं इसके ऊपर। ये मैं अभी आपको बाहर से दिखा रहा था ना घर, ऊपर वाला पोर्शन, ये इनके चारे का, ये जानवरों का चारा जो है ना, पूरी सर्दियों का यहाँ पे इनका स्टॉक करते हैं। अड़ंगकेल में जितने भी घर हैं ना, सब में ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, ये इन्होंने जानवरों के लिए रखा होता है। पूरी सर्दियों का जानवरों का चारा जो है ना, ये इसमें स्टोर करते हैं। और ये देखिए, ये मैं सीढ़ी चढ़ा हूँ इनकी ऊपर। ये जो सामने वाला घर है ये भी इसी तरह। और ये है अड़ंगकेल गांव का नज़ारा। ये है जी असल नज़ारा। ये है वो वाला घर जिसकी अभी मैंने ऊपर से आपको सैर करवाई है, और नीचे वाले पोर्शन में रिहाइश है, इसलिए उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकता। अब चलते हैं जी इस ट्रैक की तरफ। और माशाल्लाह एक मुर्गी और साथ उसके चूजे हैं तीन चार। कोशिश करते हैं कि इनका कोई ना कोई शॉट उठा लूं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। मुर्गी भाग गई है और चूजे ज़ाहरी सी बात है उसको फॉलो करेंगे। हो गया। ये बचपन में हम भी खेलते होते थे, बोतल का जो ढक्कन है ना, रेगुलर बोतल का, उसको प्लेन करके उसके अंदर ये देखें, ये बचपन की यादें हो गई हैं ताज़ा। सस्ती यादें, सस्ते खिलौने, अब तो मोबाइल आ गया जी, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। लोग बच्चे बल्कि गेमें भी मोबाइल पे खेल रहे हैं। ये है जी अड़ंगकेल गांव का ड्रोन व्यू। क्योंकि ड्रोन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसी को ड्रोन बोलूँगा।
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म के सूरत फुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अलेगा जिंदगी हो मेरे परवानी की सुर यार, प्रेम की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दो मंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, जी। तो दोस्तों पूरे गांव की मैंने आपको सैर करवा दी है, पूरा अड़ंगकेल मैंने आपको दिखाया है और आपको होटल वाली साइड्स भी सारी विज़िट करवाई हैं और गांव वाली साइड जहां पर मुकामी लोग रहते हैं वो साइड भी आपको बड़ी डिटेल के साथ दिखाई है और मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ आपको बिल्कुल नेचुरली दिखाई जाए। होटलिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सीज़न में जो है ना होटलों का रेट नॉर्मल जो होटल होगा ना जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ वो होगा तकरीबन 3,000 रुपये का और जो वीआईपी होटल्स हैं वो होंगे 5 से 7 हज़ार रुपये में, लेकिन जो नॉर्मल होटल है ना वो अब सितंबर का महीना है, सीज़न इनका आलमोस्ट ख़त्म हो गया और वो मैंने बुक करवाया था 1,000 रुपये में। और अगर खाने पीने की बात करूँ तो चिकन कढ़ाई का यहाँ पे रेट मैंने पता किया और बारबेक्यू वो है 3,000 रुपया एक किलो का और दालों शालों का रेट वही वाला नॉर्मल है 250 वाला और रोटी यहाँ पे है 50 की और आमलेट 120 का, चाय 120 की और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जूस लेज निमको शिमको उसका रेट जो है ना वो है 10 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब जो चीज़ 50 की नीचे मिल रही है वो यहाँ पर आपको 60 रुपये की मिलेगी। और अब जो है ना वो वक्त आ गया है आपसे इजाज़त चाहने का क्योंकि अब टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा और हमने अभी जाना है आगे शाउंटर वैली। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है कि मेरा ये ट्रैवल व्लॉग, मेरा ये गाइड और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके लिए बनाता रहूँ। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।